नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब ऐप पर देख सकेंगे जमाबंदी। लू पीड़ितों को 24 घंटे विशेष कक्ष में होगा उपचार। मिड डे मील को लेकर राज्य सरकार ने शुरू की पहल। पॉलिटेक्निक GNM ANM फार्मेसी में दाखिले के लिए आवेदन की हुई शुरुआत। इस IPL के बाद संन्यास ले लेंगे धोनी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BSF ने 247 पदों के लिए निकाली भर्ती। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर्स और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स के कुल 247 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कुल 60% अंकों के साथ कक्षा 12वीं मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास 2 साल का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए BSF के आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी के बारे में। मनोज वाजपेयी का जन्म आज के दिन 1969 में हुआ था। यह एक भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता है। मनोज प्रयोगकर्मी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1994 में शेखर कपूर निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू किया था। बॉलीवुड में उनकी पहचान 1997 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म सत्या से बनी। इस फिल्म ने मनोज को उस दौर के अभिनेताओं के समक्ष ला खड़ा किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सन 2019 में फिल्म पुरस्कार हेतु मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। बिहार में अब ऐप पर देख सकेंगे जमाबंदी। राजस्व कर्मचारियों पर निगरानी रखी जा सके और उनके द्वारा किए गए कार्यों की समय समय पर मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक ऐप का निर्माण किया गया है, जिसका नाम राजस्व कर्मचारी ऐप है। बता दें कि इस ऐप से जमाबंदियों को भी जोड़ा जाएगा ताकि रायतों को सुविधा मिल सके। बता दें कि इसके लिए रायतों को पूरा विवरण और स्वैच्छिक आधार सीलिंग हर हाल में 30 जून तक पूरा करने का निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में फिलहाल जमाबंदी की संख्या 3,78,00,000 है। मालूम हो कि इन सभी का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और सभी इनके सत्यापन का काम चल रहा है। विभाग के सचिव जयसिंह के द्वारा सभी समाहर्ता को पत्र लिखकर राजस्व कर्मचारी ऐप के इस्तेमाल की शुरुआत राजस्व कर्मचारियों द्वारा करवाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस ऐप के यह फायदे होंगे कि राजस्व कर्मचारी से मुख्यालय स्तर तक के अधिकारी किसी भी समय एक क्लिक पर जमाबंदी देख सकेंगे। लू पीड़ितों का 24 घंटे विशेष कक्ष में होगा उपचार। राज्य में इस भीषण गर्मी और लू के बीच लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी सुविधा मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह की ओर से सभी निदेशक, अधीक्षक व सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि वैसे मरीज जो भीषण गर्मी और लू से पीड़ित है उनका इलाज विशेष कक्ष में किया जाएगा, जहां मरीजों को चिकित्सीय सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों में दस्त व अतिसार से संबंधित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा विभाग की ओर से कहा गया है कि मरीज के आने पर मरीज का हार्ट रेट, तापमान, मानसिक अवस्था आदि पर नजर बनाई रखी जाए। राज्य के इन जिलों में बनेंगे 36 कल्याण आवास। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 16 जिलों में 36 कल्याण आवास के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है और साथ ही इसके निर्माण के लिए 176 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बता दें कि राज्य में पहले से भी 111 छात्रावास संचालित हो रहे हैं, हालांकि यह 36 छात्रावास इन 111 छात्रावास से अतिरिक्त होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 36 कल्याण छात्रावास के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष तक रखा गया है। बता दें कि कल्याण छात्रावास SC ST कल्याण विभाग की योजना है। इसके लिए 1-1 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और हर छात्रावास के लिए 4.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 16 जिलों में कल्याण छात्रावास का निर्माण किया जाना है उनमें नवादा, नालंदा, बांका, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, कैमूर, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सारण, जमुई, रोहतास, लखीसराय और सीतामढ़ी शामिल है। बिहार में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के पास बनेंगे अंडरपास व फुट ओवरब्रिज।
बिहार में सड़क के किनारे स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के पास अंडरपास व फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट में उन सभी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां अंडरपास व फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। मालूम हो कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वहीं सड़क के किनारे स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के पास अंडरपास व फुट ओवर ब्रिज के निर्माण होने से लोगों को पैदल चलने में सहूलियत मिलेगी और साथ ही इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ ही विभाग की ओर से जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ऐसे स्थानों पर संकेत चिन्ह बनाने को कहा गया है और जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट को भेजने को कहा गया है। 3 साल में बिहार में लगे 10 करोड़ से अधिक पौधे। राज्य में हरियाली को बढ़ाया जा सके इसके लिए जल जीवन हरियाली मिशन के बाद न केवल वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बल्कि सरकार के दूसरे विभागों की ओर से भी पौधारोपण किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की ओर से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसके तहत यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि राज्य में 2020 से अब तक लगभग 10 करोड़ से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया है। मालूम हो कि रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 करोड़ 97 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वहीं वर्ष 2021-22 में 3 करोड़ 89 लाख जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 20 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 में 4 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गरीबनाथ मंदिर के बारे में। श्री गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मुख्य शहर में स्थित है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह शिवलिंग चांदी की जिलहरी में विराजमान है। यहाँ पर आपको नंदी महाराज के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। मंदिर परिसर में आपको बरगद का एक पेड़ देखने के लिए मिलता है जिसकी लोग पूजा करते हैं। श्री गरीबनाथ मंदिर सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। आप मंदिर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सावन सोमवार में मेला लगता है। यह मेला 1 महीने तक चलता है। इस मेले में और शिव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। मिड डे मील को लेकर राज्य सरकार ने शुरू की पहल। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ हो रही घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस पहल के तहत अब बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को सबसे पहले उस स्कूल के प्रधानाध्यापक और रसोई चखेंगे और उसके बाद वह भोजन की गुणवत्ता व स्वाद को रजिस्टर पर लिखेंगे। इसके बाद ही वह भोजन बच्चों को परोसा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग अफसरों को भी उस भोजन को चखना होगा जो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को वह भोजन प्रधानाध्यापक और रसोई के चखने के आधे घंटे बाद परोसा जाएगा। बता दें कि नया नियम बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के निदेशक सह विशेष सचिव सतीश चंद्र झा के द्वारा जारी किया गया है। बिहार में आंधी, बारिश और ठनका को लेकर 26 अप्रैल तक अलर्ट जारी। बिहार में मौसम के बदलाव होने से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं कई जिलों में आंधी बारिश का भी दौर शुरू हो चुका है। तापमान गिरने और हीटवेव के हालात कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 26 तारीख तक आंधी, बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर जिलों के छोड़कर पूरे बिहार मौसम खराब हो रहने के आसार हैं। 24 अप्रैल से राज्य में आंधी, तूफान और बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। इस दौरान राज्य भर में मौसम खराब रहने की आशंका है। सोमवार को वैशाली, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पूर्णिया, किशनगंज समेत 21 जिलों में आंधी, तूफान, बिजली और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आंधी, बारिश का सिलसिला 26 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए अब देने होंगे 120 रुपए। बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य में बनने वाले सभी नए अपार्टमेंट, सोसाइटी, हॉस्पिटल, होटल सहित सरकारी एजेंसियों के लिए एक नियम लागू किया गया है जिसके पहले चरण में अब अगर वे भूमिगत जल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए विभाग को NOC लेना होगा और उन्हें 120 रुपए की फीस देनी होगी। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से एक नई वेबसाइट का भी निर्माण करवाया जा रहा है। मालूम हो कि इस वेबसाइट के ही माध्यम से सभी को NOC उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से सभी को NOC देने का कार्य जुलाई महीने से शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही इस नियम के दूसरे चरण के तहत उन घरों के लिए भी नियम बनाए जाएंगे जो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मालूम हो कि भूमि से कितने पानी को निकाला गया है इसकी जानकारी लेने के लिए पाइजोमीटर लगाया जाएगा। राजगीर स्टेडियम के निर्माण के लिए नई डेडलाइन हुई जारी।
2007 में राजगीर का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए घोषणा को पूरा करने के लिए एक नया डेडलाइन जारी किया गया है। बता दें कि पहले से स्टेडियम के निर्माण को लेकर अक्टूबर 2020 तक का डेडलाइन जारी किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्टेडियम के निर्माण को लेकर कैबिनेट की ओर से वर्ष 2016 में अप्रूवल दे दिया गया था और इसके शिलान्यास वर्ष 2018 में किया गया था, लेकिन अब तक इस स्टेडियम का केवल 48% काम ही किया जा सका है। ऐसे में अब इसके लिए मार्च 2024 तक का डेडलाइन जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इस स्टेडियम के निर्माण की जिम्मेदारी सापुरजी पांजी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी, लेकिन स्टेडियम के निर्माण में विलंब होने के कारण सरकार के द्वारा इस कंपनी पर रोक लगा दिया गया था, जिसके बाद यह कंपनी हाईकोर्ट चली गई थी। लेकिन एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा स्टेडियम के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई और जून 2022 तक का काम को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया, जो कि फेल हो गया और अब 30 मार्च 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण 751 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम के जैसा तैयार किया जा रहा है। बेतिया में दो तस्कर समेत 41 बोतल बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करों की गिरफ्तारी की जाती है और भारी मात्रा में शराब बरामद किए जाते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन रेल पुलिस के द्वारा एंटी लीकर टास्क फोर्स की जांच अभियान के दौरान बेतिया में अवध एक्सप्रेस में छापेमारी कर 41 बोतल देसी शराब बरामद किया गया और साथ ही दो तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। बता दें कि जिन दो तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, उनकी पहचान हरियाणा सोनीपत के नवीन कुमार और मोहित कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल दोनों तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर रेल पुलिस के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि पूछताछ में यह बात निकल कर सामने आई है कि दोनों मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में किसी सिकंदर को शराब की डिलीवरी देने जा रहे थे। खेसारी लाल यादव ने आईपीएल की इस टीम के लिए गाया गाना। एक तरफ जहां इस बार आईपीएल के 16वें सीजन में लोगों को भोजपुरी में कमेंट्री सुनने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी फिल्मों के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के द्वारा आईपीएल की एक टीम के लिए अपना एक गाना रिलीज किया गया है। बता दें खेसारी लाल यादव के द्वारा जिस आईपीएल की टीम के लिए गाना निकाला गया है, वह टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है। मालूम हो कि यह गाना भोजपुरी दर्शकों के साथ साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को भी काफी पसंद आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें खेसारी लाल यादव ने जो गाना रिलीज किया है, वह खेले सुपर जायंट्स लखनऊ के नाम से रिलीज किया गया है। वहीं रिलीज होने के साथ ही यह गाना खूब वायरल भी हो रहा है और लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि इस गाने को सारे गामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया गया है। इस गाने की बोल आशुतोष तिवारी के द्वारा लिखी गई है, वहीं म्यूजिक देने का काम शुभम राज के द्वारा किया गया है। मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के संबंध में हुई समीक्षा बैठक। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बता दें कि बीते दिन हुए समीक्षा बैठक में आगामी कार्य योजना को मूर्त रूप दिया गया। मालूम हो कि इस बात की जानकारी खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट शेयर करके दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने मरीन ड्राइव को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था कि पटना के गंगापथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने के संदर्भ में आज पुनः फॉलोअप मीटिंग की। हमारी सरकार गंगा रिवर फ्रंट पर स्टेडियम, मॉल, कल्चरल व रिक्रिएशनल सेंटर, म्यूजियम, पार्किंग पार्क, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कराएगी। वहीं बीते दिन हुए इस बैठक में अधिकारियों के द्वारा तेजस्वी यादव के सामने मरीन ड्राइव को लेकर तैयार की गई मॉडल और भी कई चीजों को दिखाया गया। बिहार में पेड़ों की शिफ्टिंग हुई शुरू। राज्य में हरियाली को बचाया जा सके और बिना किसी बाधा के विकास कार्यों को जारी रखा जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा पेड़ों की शिफ्टिंग की जा रही है। बता दें कि शिफ्टिंग किए जाने वाले पेड़ में अधिकतर पेड़ वैसे हैं जिनकी औसत उम्र 20 साल से अधिक होती है और ये मृत होने वाले और पुराने बड़े पेड़ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत राज्य में जिन भी स्थानों पर विकास के कार्यों को किया जाएगा और वहां कोई पेड़ मौजूद होंगे, तो उन्हें काटने के बजाय उन्हें जड़ से उखाड़ कर किसी दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा, जहां वे सुरक्षित रह सके। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मालूम हो कि राज्य सरकार के द्वारा बिहार में हरियाली को 17% करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें से अब तक राज्य में 16% हरियाली की जा चुकी है। पॉलिटेक्निक जीएनएम एएनएम फार्मेसी में दाखिले के लिए आवेदन की हुई शुरुआत। अगर आप भी पॉलिटेक्निक जीएनएम एएनएम फार्मेसी में दाखिला लेने की इच्छा रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन तिथि को जारी कर दिया गया है। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर 16 मई रात 11:59 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आवेदन में किसी प्रकार
सुधार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए 18 से 20 मई रात 11:59 तक का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि परीक्षा कब आयोजित की जाएगी और परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू प्रवक्ता ने दी चुनौती। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटने के बाद जेडीयू नेतृत्व को चुनौती देते हुए कहा था कि जल्द ही जेडीयू में टूट होगी। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा चुनौती देते हुए कहा गया है कि अगर हिम्मत है तो जेडीयू को तोड़ के दिखाओ। उन्होंने कहा कि अगर इस अभियान में उपेंद्र कुशवाहा सफल रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद मिलेगा। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 2015 के चुनाव को याद करते हुए कहा कि इन लोगों ने पीएम मोदी को गली गली घुमाया था। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम। बिहार की राजधानी पटना में नमाज के बाद अतीक अहमद के समर्थन में हुए नारेबाजी को लेकर बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावर है और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बीते दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा भामाशाह की जयंती समारोह के दौरान इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश सरकार को गिरफ्तारी को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार अगले 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे तुष्टीकरण की राजनीति में फंसे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन के द्वारा बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे सीबीआई के द्वारा नोटिस भेज दी जाती है, इसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव पर जितना भी केस चल रहा है उसके जनक कौन है। उन्होंने कहा कि इन सब का जनक जेडीयू है। अखिलेश यादव को पसंद आया सीएम नीतीश का फॉर्मूला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में जातीय जनगणना कराने का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को काफी पसंद आया है, जिस वजह से अब यूपी में जातीय जनगणना कराने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीते दिन सपा सुप्रीमो के द्वारा कहा गया कि राज्य में रामराज समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में सबका साथ सबका विकास होगा और इसी से भाईचारा होगा, भेदभाव खत्म होगा, लोकतंत्र मजबूत होगी, समाजवाद आएगा और रामराज्य आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कई अन्य दलों के द्वारा भी नीतीश कुमार के इस फॉर्मूला को समर्थन मिल रहा है। जनसंख्या को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। भारत की आबादी अब इतनी बढ़ चुकी है कि भारत ने चीन को भी आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। वहीं जब से इस बात की जानकारी मिली है तब से राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा देश में बढ़ती आबादी का आरोपी पीएम मोदी को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस देश की सत्ता में थी उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनका नारा था कि हम दो हमारे दो। वहीं अभी जब देश में बीजेपी की सत्ता है तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने उस स्लोगन को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा हम दो हमारे 13। उन्होंने कहा कि इस तरह से देश की जनता को कभी भी जनसंख्या विस्फोट से हुई परेशानियों को झेलना पड़ सकता है और इसका मैं पूरा विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस आईपीएल के बाद संन्यास ले लेंगे धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी आईपीएल है, इसका संकेत उन्होंने खुद दिया है। शुक्रवार 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी ने इसका संकेत दिया। धोनी की बातों से ऐसा लगा कि वो अपने आईपीएल करियर को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के बाद दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि सभी अच्छी चीजों का अंत होता है। उन्होंने कहा कि वह अपने करियर के अंतिम चरण में है। सनराइजर्स के खिलाफ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी ने कहा जो कुछ भी कहा और किया गया है यह मेरे करियर का आखिरी चरण है। मैं कितना भी लंबा खेलूं कई साल बाद प्रशंसकों को यहां आने और देखने का मौका मिला है। यहां आकर अच्छा लग रहा है, भीड़ ने हमें बहुत प्यार और स्नेह दिया है। बल्लेबाजी के पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे लेकिन कोई शिकायत नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। वैज्ञानिकों ने 1984 में एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया। सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद का 1504 में जन्म हुआ। प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का 1858 को जन्म हुआ। हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार जीपी श्रीवास्तव का 1889 को जन्म हुआ। सुरबहार वाद्य यंत्र बजाने वाली एकमात्र महिला अन्नपूर्णा देवी का 1927 को जन्म हुआ। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक प्रखर चिंतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधव राव सप्रे का 1926 को निधन हुआ था। मशहूर गजल गायक बड़े गुलाम अली खान का 1968 को निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत राय का 1992 को निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का 2013 को निधन हुआ था। आज के दिन को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पलखर में आज
आज हम बात करेंगे पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि द वायर एन के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने प्राप्त 1.2 लाख प्रश्नों में सिर्फ 1% पर कार्रवाई की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है। अभी तक के तथ्य इस प्रकार है। पहला, कुल 1,19,572 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। दूसरा, उपरोक्त कुल में 80,236 प्रश्न शामिल हैं जिन्हें प्रासंगिक नहीं माना गया था और 39,336 प्रश्न जिन्हें कार्यवाही योग्य माना गया था। तीसरा, सभी कार्यवाही योग्य प्रश्नों पर अक्सर संबंधित व्यक्ति के लिए उपयोगी जानकारी के साथ व्यक्तियों को सीधे उत्तर के माध्यम से कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा पीआईबी के फैक्ट चेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1,225 फैक्ट चेक पोस्ट किए गए। इन्हें सार्वजनिक पोस्टिंग के लिए उपयुक्त पाया गया और पीआईबी द्वारा तथ्य जांच के रूप में माना गया। लेख में इन तथ्य जांच पोस्टों को प्रश्नों की संख्या के रूप में गलत तरीके से वर्णित किया गया है। यह भ्रामक है। एक एकल तथ्य जांच पोस्ट कई कार्यवाही योग्य प्रश्नों के मूल्यांकन के साथ साथ अन्य स्रोतों से जानकारी का परिणाम हो सकता है जिसमें पीआईबी द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान भी शामिल है। इन सही तरीकों से फोन में स्टोरेज को करें खाली। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आपका मोबाइल फोन में फोन स्टोरेज फुल का मैसेज दिखाने लगता होगा। ऐसे में आपको स्पेस बनाने का सही तरीके के बारे में मालूम होना चाहिए। बता दें कि अगर आप स्पेस बनाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डिफॉल्ट रूप से फ्री अप स्पेस का फीचर मिलता है। जब भी स्मार्टफोन का स्टोरेज फुल हो जाए तो सबसे पहले फ्री यूपी स्पेस से मोबाइल फोन में जगह बनानी शुरू करें। मोबाइल क्लीन अप करने के बाद ऐसे सभी ऐप्स को हटाएं जिनका इस्तेमाल आपने लंबे समय से नहीं किया है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्टोरेज ऑप्शन में जाकर अलग अलग कैटेगरी से सभी अनवांटेड फाइल्स, सॉन्ग, वीडियो आदि को डिलीट करें। इससे स्मार्टफोन को बहुत स्टोरेज खाली होगा क्योंकि गाने और वीडियो ज्यादा स्पेस फोन में कैप्चर करते हैं। इसके अलावा आपने अगर किसी एप्लीकेशन के लिए ऑटो डाउनलोड चुना है तो उसे भी बंद कर दें ताकि स्पेस बचा रहे। मेल और स्पैम फोल्डर को भी क्लीन करें। इन तरीकों से आप आसानी से फोन में जगह बना सकते हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, तबरेज अलम, पंचम वर्मा, विप्लव कुमार, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, मुकेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंशु प्रिया, योगेंद्र रजक, राम नरेश यादव, रामनवी मांझी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार धोनी को आईपीएल के अगले सीजन में खेलना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।